आई थिंक आप स्पॉट आउट कर चुके हैं सोल के प्लेयर्स को। वाइपर दीवार के दूसरी साइड पे थे, ओवेस दरवाजे के पीछे डीपी प्लेयर शॉट्स आते हुए, यहाँ पे ओवेस के हाथ में नेड है जो कुक हो रहा है, थ्रो करने की जगह कैंसिल कर चुके क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी अच्छी, उनको पता था कि वाइपर वहां से फॉल बैक कर जाएंगे और नेड फेंकने का मतलब होता कि एक यूटिलिटी जो है, एक क्रूशल यूटिलिटी किसी और सिचुएशन में जो आप यूज कर सकते थे वो वहां पे वेस्ट हो जाती। बट रेगल्टॉस और वाइपर द लास्ट टू प्लेयर्स रिमेनिंग फॉर टीम सोल, क्या ये अपनी टीम को इस सिचुएशन से बचा के आगे निकल पाएंगे? वो करने के लिए इनको पूरी की पूरी फनाटिक की टीम को वाइप आउट करना पड़ेगा। जो अभी फनाटिक का फॉर्म चल रहा है उस सिचुएशन में एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। एक इम्प्रेसिव फॉर्म इफ यू हैव टू से, ऑब्वियसली वही चीज चल रहा है। एंड ओवेस अगर आप देखें बाहर इस एरिया पर है एंड बाकी प्लेयर्स उसी बिल्डिंग में नीचे से ऊपर जा रहे हैं जस्ट टू क्रिएट दैट थिंग कि अगर कोई भी प्लेयर सोल का बाहर आता तो ओवेस उनको आराम से देख लेंगे। दिस अ ब्रिलियंट माइंड स्ट्रेटजी जो कि यहां पर फनाटिक का स्क्वाड यूटिलाइज कर रहा है एंड यूज कर रहा है। एंड ऊपर से प्लेयर्स आ चुके हैं, नीचे से प्लेयर्स आ चुके हैं एंड अब आई गेस सोल के लिए बहुत 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 ज्यादा मुश्किलें हो सकती है। यहां पर सोल के वाइपर जस्ट आगे की तरफ को टीवी भी ले रहे हैं, ऑब्वियसली साउंड सेंस भी पूरा का पूरा वो देख रहे हैं किस तरीके से हो सके। सोल रिगल्टॉस एज वेल यहीं पर है, ये फाइट पूरा का पूरा चल रहा है। आप देखिए वहां उनको प्लेयर्स दिख रहे हैं बट ही स्टिल नॉट गोइंग फॉर इट एंड दरवाजा खुलने की जो आवाज आई थी दैट कुड हैव जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग। बट अब इस एरिया में एक रूम के अंदर सोल के जो दो प्लेयर्स हैं वो थे, अब बाहर निकलते हैं रिगल्टॉस से फाइनल फर्स्ट एंगेजमेंट लेने की शुरुआत करी एंड थोड़ी सी हेल्थ वाइपर की कम हुई है, पीछे आएंगे वापस रीलोड करेंगे एंड अपनी हेल्थ लगाने की कोशिश करेंगे। बट चार प्लेयर्स आ रहे हैं इनके पास, चार प्लेयर्स जस्ट दरवाजे की दूसरी तरफ है एंड दरवाजा खोल दिया गया है, जस्ट एंट्री लेनी है एंड गोलियों की बौछार हो सकती है एक तरह से। दूसरी तरफ से फनाटिक के प्लेयर्स अंदर घुस चुके हैं, रीलोड पहला प्लेयर जाता हुआ वाइपर और रिगल्टॉस दो प्लेयर्स को लेकर जा चुके हैं। दिस इज एक्चुअली चेंजिंग इट्स पास, तीसरा प्लेयर जाता हुआ वहां पर, सोल इज डूइंग वंडर्स राइट नाउ। आखिरी प्लेयर के ऊपर यहां पर नंबर्स एडवांटेज पूरा का पूरा आ जाता है, वाइपर नीड्स टू पुट अप अ फर्स्ट एंड इफ ही कैन एंड यस ही इज डूइंग इट। पूरा गेम एक सेकंड में बदल दिया यहां पर टीम सोल ने बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या आखिरी प्लेयर को अब जाकर मारेंगे? यस दे वर लाइक तुम हम पर आर नाउ वी वर रेडी फॉर इट, आखिरी प्लेयर को स्पॉट किया बट आखिरी प्लेयर वहां पर लेकर जा, बस की फाइट पूरी बनती हुई। विल फनाटिक गो डाउन? विल इट बी सोल? सोल सर्वाइव टू सी अनदर डे, वाइपर सर्वाइव टू सी अनदर डे, रिगल्टॉस सर्वाइव टू सी अनदर डे। फॉर्मर टीममेट्स अब एक दूसरे के सामने आके खड़े बताया और पूरे के पूरा भार यहाँ पर टीएसएम एंटिटी के पास रहेगा क्योंकि उनके पास जो नंबर्स एडवांटेज है वो अच्छे तरीके से किल्स अपने लिए निकाल सकते हैं। एलिमेंटिक्स के ऑन टॉप थोड़ा सा आगे ऑरेंज पीछे के एरिया पर सेल्स के प्लेयर्स इकट्ठे हैं और टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स एक दूसरे से हल्का सा सेपरेटेड है, ज्यादा नहीं बट स्टिल इट काइंड ऑफ मेक्स अ बिट ऑफ डिफरेंस अगर हम बात करें। और जीगॉड थोड़ा सा आगे की तरफ को जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऑन टॉप के काफी काफी करीब यहाँ पर जाते हुए जीगॉड स्पॉट करना चाहेंगे अगर प्लेयर को करते हैं। स्पॉट किया है उन्होंने या नहीं आया थिंक सो, बिकॉज ऑन टॉप is right in front of them and on top को spot करने के बाद वो आगे बड़ी fight ले रहे थे। on top यहाँ पर एक player को दो player को लेकर जा, तीन player को लेकर जाते हुए he was in that car only। elements के और इसके पास यहाँ पूरा पूरा chance रहेगा। on top को वहाँ पर knock किया गया था and TSMT clutch guard जो आखिरी player यहाँ पर बचे हैं, एक second में TSMT का पूरा पूरा game हल्का सा बदल गया यहाँ पर और TSMT now they'll have to see with each and every decision। but जो वहाँ पर knocks निकाले गए थे क्या वहाँ kills confirm होंगे या फिर इसके players आएंगे? जो knock player थे उनको finish किया and orange one HP barely surviving, taking down one player out in this one and पीछे से आते हुए सेल्स के आतंकी एलिमेंटरी का सफाया करते हुए गाड़ी को ब्लास्ट करके अब TSM NTT धीरे धीरे पीछे गई है, रिवाइवल्स उनको मिल रहे होंगे। फाइट इज बिटवीन सेल्स एंड TSM NTT फॉर दिस गेम। वी नो सेल्स कितना कंसिस्टेंट रही है, वी नो उनके लिए मैच कितना ज्यादा मैटर करता है टॉप पोजीशन बरकरार रखने के लिए और TSM NTT आएगी टू टेक व्हाट वाज देयर्स एंड दैट इज अ टॉप पोजीशन इन मिरामार 2-4 का सिनेरियो। सेल्स के पास एक ओपन एरिया अपवर्ड एरिया बनता है बट सर्कल दोनों में से किसी भी टीम को फेवर नहीं करता। अल्ट्रॉन का एक ग्रेनेड गया है आगे की डायरेक्शन में, अगर वहां पर लगता है तो थोड़ा सा डैमेज कर सकता था बट एज ऑफ नाउ पीछे के एरिया पर जाकर रह जाएगा एंड TSM NTT जाना चाहिए बिकॉज दे नो जब अलाइव काउंटर 6 अलाइव प्लेयर्स दिखा रहे हैं तो चार उनके सो देनों के मैन एडवांटेज उनके पास अच्छा खासा एंड जस्ट इसके पीछे एक प्लेयर को स्पॉट किया काफी अच्छे क्लच शॉट के ऊपर थोड़ा सा डैमेज आया बट उन्होंने भी डैमेज किया, 700 के ऊपर का डैमेज जा चुका है। 5 किल्स इस प्लेयर के, एक और को लेकर जाएंगे वहां पर सैलसन की सी कॉर्ड को लेकर जाते हुए बट पीछे से एक आखिरी जो प्लेयर बचेगा TSMT ऑलमोस्ट कंफर्मिंग देयर विक्ट्री इफ दे कैन बट स्टिल वन फाइनल प्लेयर एंड दैट इज ऑल फॉर दिस गेम एज TSMT टेक्स अनदर वन। ये एक बहुत